second before. That's second. Sorry. Sir, yahan pe. One more. Yahan pe. Thank you, sir. Thank you. Madam, drop please. Please vote.
बस सबको साइड थोड़ा थोड़ा अंदर कर, थोड़ा अंदर कर दो जरा। राजा राजा भाई, अरे अभी नहीं ले रहे फोन में मोबाइल में यार, सुन से ऐसा मैं तुमको। हाँ ये पीछे ए, उसको बोलना यार पीछे ले। नमस्ते करुणागत दीनार्थ परिपूर्ण
कौशल भाई इधर बोलो ना
solo. Smiling. Yeah. You have one more smile. Chashmani gala ke nahi deu kaka. Ha. Rajon. Gonna go down in history. Who's a selfie monster? I'm looking very tiny in this selfie. I hate it. काजल दी यहाँ पर मेरे अभी हमारी इधर बहुत खूबसूरत है मैम बहुत तेज धूप है साइड दूंगा ना चलो साइड 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 इधर दे दूंगा स्पेस यार आराम से आराम से चलो सबका रोल है माता के दिन चल रहे हैं
मेरी शादी जहाँ पे हुई है हम लोग भी माता को बहुत मानते हैं और यू नो नवरात्रि का जो ये मौसम है जिसे कहते हैं तो हम भी बहुत सेलिब्रेट करते हैं उसको वहाँ पे भी यहाँ पे भी. आई थिंक माँ जो है बहुत बड़ी है सबसे बड़ी है और या वी लव इट. हमको बहुत मज़ा आता है करने में और बहुत श्रद्धा से भी करते हैं हम. नौ दिन नहीं, एक महीना. गलत गलत मत ओके. हम यहाँ कोशिश करते हैं ताकि पब्लिक आए, विजिटर्स आए, डिवोटीज आए, दे हैव अ गुड टाइम और कम्फर्टली पूजा देख सकें. हम उनकी सुविधा के लिए सब करते हैं. हमारा सिक्योरिटी बोली, हमारा अरेंजमेंट बोली, हमारा स्टॉल्स बोली है, हर चीज़ हम कोशिश करते हैं दैट पीपल आर हैप्पी एंड गो वे हैप्पी. वो तो काजल सर्व करती है, हम उनसे पूछिए आप. नहीं मैं सर्व नहीं करती हूँ. हाँ मैं सर्व करती हूँ. हाँ सर्व करती हूँ मैं, लेकिन अष्टमी का दिन, अष्टमी का दिन इनका भोग, इनका तरफ से भोग है. हाँ जी बिल्कुल. और नवमी का दिन रानी देती है और अष्टमी का दिन काजल देती है. ओके हाँ दो मिनट में ख़त्म कर दूँ. थैंक यू सॉरी. अष्टमी के दिन जो होता है हम सब, हमारी फैमिली की पूजा होती है तो हाँ हम सब आते हैं उस दिन. लेकिन आई थिंक हर दिन जो होता है वो माता का दिन होता है. हम लोग वही श्रद्धा दिखाते हैं, वही यू नो ये करके आते हैं कि हाँ आज जाएंगे और माता को मिलेंगे या जो भी है. तो इट्स दैट. कभी नहीं. मैं जिस मंदिर में भी गई हूँ, जब भी भगवान के सामने खड़ी हूँ, चाहे वो माता हो या जो भी हो, मुझे लगता है कि मांगने से बेहतर है आप बस उन यू नो उनको बोलो कि खुद देती है, खुद देती है, खुद जो देती है अपने हाथ से देती है. 72 ईयर ये पूजा हो रहा है और उनके मर्जी से हो रहा है. हम एक्चुअली प्लान करते हैं और कहाँ, माँ अपने आप प्लान करके खुद आती है. पैसा बोलो, स्पॉन्सर्स बोलो, हर चीज माँ खुद लेकर आती है, खुद अपना सेलिब्रेट करती है. ये इतना ब्यूटीफुल साड़ी है क्योंकि मेरी सुंदर माँ ने मुझे ये साड़ी प्रेजेंट की थी दुर्गा लास्ट टू लास्ट दुर्गा पूजा में. एंड ये ट्रेडिशनल वो बंगाली साड़ी है तो इसलिए हैंड वो फ्रॉम क्या करूँ. यही कहना चाहूँगी जो ट्रेडिशंस हैं हमारे हिंदुस्तान के वो बहुत महत्वपूर्ण हैं और उन्हें अगर हम लोग नहीं मतलब रख सकते तो फिर हिंदुस्तान की क्या बात है, फिर हिंदुस्तान कैसे बना. और माँ दुर्गा जो है वो सबकी माँ है और हमारे सासू जी ने हमको यही समझाया कि देखो वो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि एक दूसरे से प्यार करो. ये जो दुर्गा पूजा है ये सबको एक करती है. फिर यहाँ कोई मज़हब नहीं होता, यहाँ कोई दुर्गा पूजा है. फिर कोई भी यहाँ आ सकता है, कोई भी प्रार्थना कर सकता है, कुछ भी मांग सकता है. और माँ तो सबकी माँ होती है. नहीं डेफिनेटली हमारे फेस्टिवल्स बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि वो एक फैमिली को साथ में मिलाते हैं, हम सबको साथ में रखते हैं. यू नो हमारी ज़िंदगी इतनी यू नो वर्क ओरिएंटेड हो जाती है कि फेस्टिवल्स में हम सब साथ में मज़े कर सकते हैं. यू नो साथ में व्हेन यू डू प्यार का माहौल होता है, प्यार का माहौल. यहाँ कोई क्लेश नहीं होता, कोई किसी के बारे में बुरा नहीं सोचता, कोई किसी के बारे में जेलस नहीं होता. जेलसी को क्या बोलते हैं हिंदी में, बट या इस पूजा की विशेषता क्या है. आई थिंक मॉम विल से इट बेटर देन आई विल. इस पूजा की विशेषता यही है कि मेरे जो सासू जी थे उनका यही एक मकसद था कि सब हमारी जो फैमिली है वो एक हो और ये पूरे जितने लोग यहाँ आएंगे वो एक फैमिली की तरह यहाँ आए. So, इसका मास्टर
आई थिंक दैट ये विशेषता मेरे आइडिया में इसकी सबसे बेहतरीन क्वालिटी क्या है कि हम इतने लोगों को भोग खिलाते हैं एंड आई थिंक दैट्स अमेजिंग क्योंकि जब भी आप लोगों को खिलाते हो तो आप बहुत पुण्य कमाते हो एंड सॉरी मैं भी भोग सर्विंग करती हूँ मुझे ऑर्डर दिया गया है श्यामला दादा ने कि मुझे सर्व करना ही पड़ेगा सो मैं हर साल बचपन से सर्व करते हो ये सब बच्चे लोग जो है ना ये एक पूरी फैमिली करती है कि पूरी फैमिली और हमारे सब बच्चे मतलब 2 साल की उम्र से सर्व करते हैं सो बिफोर दैट आई जस्ट हैव टू से वन थिंग एक्चुअली कि हम जो फेस्टिवल्स मनाते हैं ना हम अपने वातावरण को ध्यान में रख कर मनाना चाहिए क्योंकि ऑनेस्टली दी एनवायरनमेंट इज़ गेटिंग वेरी रुइंड हमारे फेस्टिवल्स भगवान जी भी नहीं बोलते हैं कि हमारी धरती को बर्बाद कीजिए सो प्लीज़ कीप दी एनवायरनमेंट इन माइंड व्हेन यू आर सेलिब्रेटिंग ऑल दीज फेस्टिवल्स जी हाँ हमारी मूर्तियाँ रिसाइकल होती है हर साल रानी हमारी बच्ची है सीधी सी बात है संस्कार संस्कार तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ना जो संस्कार है वो हमको हमारे माँ ने दिए हमारे नानी ने दिए हमारे दादी ने दिए वही संस्कार हम हमारे बच्चों को देते हैं जिस फैमिली में मैं आई शादी करके उस फैमिली के बस संस्कार वही थे हमारे सासू जी ने वही संस्कार दिए हमको तो हम तो वही संस्कार देंगे ना बच्चों को I'll say it in English. I think traditions are very important in our country. That's what makes India what it is. The fact that we have these traditions, that we have these festivals, it really makes India such a powerful country today. The fact that we have such a strong cultural heritage. And part of this cultural heritage is Durga Puja. So I'm saying it in English because unfortunately that is the language that I'm most comfortable to say this in. But that's basically it. Thank you. आज तो षष्ठी है तो शुभ षष्ठी टू ऑल और आज तो सुबह का भी पूजा है और शाम को भी पूजा है तो सुबह का पूजा भी ख़त्म हुआ और अभी हम शाम के प्रेपरेशंस पे प्रिपेयर कर रहे हैं एक्चुअली क्या है कि यहाँ डिपार्टमेंट्स है देयर समबडी लुकिंग आफ्टर द आर्ट समबडी लुकिंग आफ्टर द कंस्ट्रक्शन समबडी लुकिंग आफ्टर द भोग सो हमारा क्या है कि देयर आर डिपार्टमेंट्स एंड देयर डिपार्टमेंट हेड्स एंड वी कोऑर्डिनेट विद देम तो क्या होता है कि इट इज़ चैलेंजिंग बिकॉज हमारा यहाँ का जो फुटफॉल होता है एवरी ईयर इट इज़ ग्रोइंग कभी 1 लाख था कभी 2 लाख था अभी 5 लाख के ऊपर फुटफॉल होता है तो यहाँ हमारा जो भोग होता है वहाँ करीबन दिन में 8,000 से 10,000 लोग खाना खाते हैं एंड दिस एंटायर थिंग इज़ एन एसी डोम तो हमको देखना पड़ता है कि हमारा यहाँ एसी चल रहा है ठीक से जो लोग बाहर से आते हैं अक्टूबर हीट है तो यहाँ अंदर का टेम्परेचर शुड बी वेरी कोल्ड नाइस कूलिंग एंड वेरी कम्फर्टेबल फॉर द मेम्बर्स एज वेल एज द गेस्ट तो इट इज़ चैलेंजिंग फॉर अस एंड आई थिंक एवरी ईयर हम यो चैलेंज को लेते हैं एंड वी कम आउट विद फ्लाइंग कलर्स सेम दिस ईयर अरे बंगाली भोग के लिए सभी एक्साइटेड रहते हैं खास क्योंकि वो अपना भजिया जो रहता है ब्रिंजौल का भजिया जो रहता है खिचड़ी जो रहता है उनका स्वाद ही अलग होता है आई थिंक माता के पास जब आते हैं सब माता का जब भोग लगता है उस दौरान जो स्वाद आता है आई डोंट थिंक कि घर के स्वाद होगा आई थिंक हमारा जो भोग है इस पूजा का आई डोंट थिंक सारे इंडिया में जो मेन्यू हमारे भोग में होता है ये कहीं भी है ये एक ही जगह होगा जहाँ करीबन 8,000 से 10,000 लोग एक ही जगह मतलब बैठते हैं एसी डोम में और हमारे जो मेन्यूज़ है उसमें करीबन 10 से 12 आइटम्स होते हैं
वो कहीं नहीं मिलेगा। आप अगर जाते हो इवन टू कैलकटा हो, आपको ऐसा मेन्यू नहीं मिलेगा। एक्साइटमेंट तो बहुत है क्योंकि इतने सारे मतलब लोग से मिलने को मिला होता है, रिलेटिव्स कम, हमारे कज़न्स हम सब साथ में मिलके हैं, बैठते हैं, और शोमराट हमारे इट इज़ एक्चुअली दिस पूजा वाज स्टार्टेड बाय माय ग्रैंड मदर, माय ग्रैंड फादर। तो इट इज़ लाइक क्या होता है, एक फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। सो द एंटायर फैमिली एंड ऑल द मेम्बर्स जो आते हैं, इट इज़ फॉर देम अ वेरी बिग ड्यूटी। एक चैलेंज भी है मगर इट इज़ अ बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो ये हमारे लिए ये एक वन ऑफ द बिगेस्ट कम्युनिटी गेट टुगेदर्स होते हैं, एंड इट इज़ अ वेरी 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 बिग पूजा एवरी ईयर। इट इज़ वी आर गोइंग अप एंड अप। इनफैक्ट हमारा अगले साल का प्रेपरेशन अब से शुरू हो जाता है, इनका जो मतलब जो डिज़ाइन होना चाहिए, माँ कैसी लगेगी, बाकी सब चीज़ इट्स प्लान्ड वन ईयर इन एडवांस। तो हमारा पूरा टीम जो है, हम लोग जो जिस हेड्स जो हैं उनको इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि ओके यू आर हैंडलिंग दिस एंड दिस हाउ इज सपोज टू गो। थैंक यू सो मच।